हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल संगीत शिक्षा इन हिंदी। बेल आइकन को जरूर दबाएं हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संगीत शिक्षा इन हिंदी में। मैं शिवम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे संगीत शिक्षा ट्यूटोरियल्स में। और अब मैं आपके लिए लेके आऊँ राग पुरिया धनेश्वरी की बंदिश का गायन, सांझ भई पंक्षी घर लौटे। और आपको इससे पहले इसका पूर्ण परिचय और बंदिश की स्वरलिपि मैंने बताई थी, अब इसका बंदिश का गायन और उससे पहले आरो अवरो पकड़ उसके साथ। और उससे पहले बोलना चाहूँगा शुरू करने से पहले कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं राग पुरिया धनेश्वरी की बंदिश का गायन, भाग तीन अंतिम अध्याय। और सबसे पहले आरो अवरो पकड़ उसके बाद बंदिश। तो पहले काले सी शार्प से मैं शुरू करूंगा। सा सा फिर से आरो अवरो और पकड़। नीरे गामा पधा पानी सा अवरो रे नीधा पा मारे गरे सा पकड़। नीरे गामा रे सा पा पा म ग म रे ग म प प ध प म ग रे सा नी रे ग रे ग म प ध नी नी ध प म ग म रे ग म प म ग रे सा सा प प म ग म रे ग म प प ध प म ग रे सा प प म ग म रे ग म प प ध प म ग रे सा नी रे ग रे ग म प ध नी नी ध प म ग म रे ग म प म ग रे सा सा नी प म ग म रे ग म प प ध प म रे सा। तो ये स्थाई हुई। स्थाई का जो दुगुन का पार्ट है और अंतरे का दुगुन का पार्ट है वो अलग अलग है दोनों। तो इसका देखिए कैसे नी नी ध प म ग म रे, पहले आप चार देखिए नी नी ध प म ग म रे ग म प म ग रे सा सा नी नी ध प म ग म रे ग म प म ग रे सा सा। चलिए अंतरा स्थाई की बनाएंगे अगर प प म ग म रे ग म प प ध प म ग रे सा प प म ग म रे ग म प प ध प म ग रे सा म ग ग म म ध म ध सा 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 नी रे सा सा म ग ग म म ध म ध सा 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 नी रे सा सा नी रे म ग म रे ग म प म ग म ग रे ग रे सा सा प प म ग म रे ग म प प ध प म ग रे सा। तुरंत आपको दुगुन थोड़ा इसका टफ है, शुरू में काफी फंबल हो सकता है, तो मेरा भी हुआ था। तो आप जब दुगुन करें उसका आराम से करें और तुरंत उसे स्थाई से कनेक्ट करें या अंतरे से कनेक्ट करें, जो भी आपको करना है
तुरंत आप पकड़ेंगे तो ताल मिस हो जाएगी। देखिए पहली लय कैसी है, नी नी दा पा मा गा मा रे गा मा पा मा गा रे सा सा पा पा मा गा मा रे गा मा पा पा दा पा मा गा रे सा। और दूसरी वाली लाइन जो है अंतिम लाइन स्थाई की, मा गा मा रे गा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा सा पा पा मा गा, तुरंत आप उसे कैच करें पकड़े। तो इसके आगे शब्द मैं सुनाता हूँ आपको, सांझ भई पंछी घर लौटे, सांझ भई पंछी घर लौटे, नभ में उगे सितारे, पांझ भई पंछी घर लौटे, सांझ भई पंछी घर लौटे, नभ में उगे सितारे, सांझ भई पंछी घर लौटे, देवश गयो संध्या मुस्काए, देवश गयो संध्या मुस्काए, निरखे चंद्र उजारे, सांझ भई पंछी घर लौटे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इसका है और दुगुन का नभ में उगे सितारे, सांझ भई पंछी घर लौटे। तो तिहाई लगाते हैं अब इसकी, तिहाई वही पहले दो विभाग तीन बार रिपीट होंगे, एक बार लाइन गा लें पूरी उसके बाद, सांझ भई पंछी घर लौटे, सांझ भई पंछ भई पंछ सांझ भई पंछी। तो ये राग पूरे धनेश्वरी का पूरा ट्यूटोरियल हुआ। तो आई होप यू विल लाइक इट, सो प्लीज शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।